जेलेंस्की अज जो बाइडन अते नाटो दे नेतावां नूं करनगे संबोधित। दुनिया भर के लोगों नूं जेलेंस्की ने कर दिती है एक खास अपील। उन्हां नाल ही कहा कि यूक्रेन नूं हथियारां दी सप्लाई अते बिना रुकावट सहायता प्रदान की जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने वीरवार को दुनिया भर के लोगों को अपील की है कि वह अपने संकटग्रस्त देश के नाल एकजुटता प्रगटाउण के लिए जनतक तौर पर इकट्ठे होण। जेलेंस्की अज यूक्रेन अते रूस के हमले के एक महीना पूरा होने के उपर ब्रसेल्स विच अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नेतावान संबोधित भी करेंगे। जेलेंस्की ने कीव दे विच राष्ट्रपति दफ्तर के नेड़े वीरवार रात को रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो दे विच एक भावनात्मक संदेश भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि घरों बाहर निकलो अते आवाज़ नूं बुलंद करो, दिखाओ कि लोक मायने की रखते हैं। आजादी मायने रखती है, शांति मायने रखती है, यूक्रेन मायने रखता है। जेलेंस्की ने रूस से दबाव पाने की कोशिश जारी रखते हुए कहा है कि वह नाटो मैंबरों के नाल होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस दे विच यूक्रेन नूं हथियारों की सप्लाई समेत होर प्रभावी अते बिना रुकावट सहायता प्रदान करने के वास्ते भी कहेंगे। जो बाइडन वीरवार को रूस से नवीं पाबंदियां लगाउण अते यूक्रेन नूं होर फौजी सहायता बारे विच विचार वटांदरे दे लई नाटो दे मैंबर G7 समूह दे नेतावां अते यूरोपियन कौंसल दे नाल लड़ीवार मीटिंगां भी करन वाले ने। जो बाइडन दे नाल अपनी मुलाकात की पूर्व संध्या के उपर यूरोपी यूनियन ने यूक्रेन नूं होर $550 लख की फौजी सहायता का ऐलान किया है। नाटो के सकत्र जनरल जेंस स्टॉलनबर्ग ने मीटिंगां तो पहला पत्रकारां नूं दस्या सी कि गठजोड़ ने पहला ही यूक्रेन नूं मिलटरी सहायता वधा दी है, पर वादियां नूं पूरा करन दे लई होर सहायता प्रदान करन दी लोड़ भी है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।